हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैसे सीना मैथ सोल्यूशन क्लास 12। फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे कमेंट्स करके ये आ रहे हैं कि सर डिफिनिट इंटरवल का सोल्यूशन उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स, टाइम की कमी को देखते हुए मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपने इन डिफिनिट इंटरवल के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं तो डिफिनिट इंटरवल आप बिल्कुल ही सॉल्व कर सकते हैं। उसे सॉल्व करने में फिर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि इन डिफिनिट इंटरवल जो होता है वो डिफिनिट इंटीग्रल का ही समझिए तो वो एक प्रकार से रिलेटेड है, एक दूसरे एक से रिलेटेड है। इनडिफिनिट इंटीग्रल में होता है क्या कि उसका इंटीग्रल जो होता है डिफिनिट नहीं होता है, यानी वो थीटा या एक्स के वैल्यू के लिए किसी भी वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, जबकि डिफिनिट इंटीग्रल जो होता है वो सिर्फ एक डिफिनिट नंबर्स के लिए ही डिफाइंड होता है। जिसे आप दिखाता हूँ मैं, देखिए ये जो फंक्शन है आपका फंक्शन इंटीग्रल फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, ये जो है आपका, ये है आपका इनडिफिनिट इंटीग्रल है। ये फंक्शन जो है एक्स किसी भी वैल्यू के लिए डिफाइंड है, यानी यहाँ पर एक्स का आप कोई भी फंक्शन रखते हैं एक कोई भी वैल्यू तो ये फंक्शन एफ एक्स वो डिफाइन करेगा, ठीक है। जबकि डिफिनिट है, जैसा कि नाम से डिफिनिट है कि निश्चित इंटीग्रल डिफिनिट इंटीग्रल, तो फंक्शन देखिए एफ एक्स इसका इंटीग्रेशन बताते हैं कैसे होता है। तो फंक्शन जैसे देखिए, जैसे आप इंडिफिनिट इंटीग्रल का इंटीग्रेशन करते हैं जस्ट वैसे ही कीजिए। देखिए जैसे फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्मॉल फंक्शन एफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स प्लस सी। जस्ट उसी प्रकार से इंटीग्रेशन क्या करना होता है, सिर्फ क्या होता है लास्ट में ये जो बी है इसको अपर लिमिट पार्ट कहा जाता है और स्मॉल को लोअर लिमिट पार्ट। तो फंक्शन में एक बार अपर लिमिट पार्ट को रख कर वैल्यू निकाला जाता है और उसके बाद फंक्शन में ही लोअर लिमिट पार्ट को रख कर वैल्यू निकाला जाता है, फिर अपर लिमिट पार्ट का जो वैल्यू होता है उसमें से लोअर लिमिट पार्ट का वैल्यू घटा दिया जाता है। जैसे देखिए फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे आप तो आ जाएगा फंक्शन एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इंटीग्रल अपर लिमिट पार्ट बी और स्मॉल लोअर पार्ट ए, तो इसका इंटीग्रेशन देखिए एफ एक्स की जगह अपर लिमिट पार्ट लगा रखा गया है बी, तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। फिर माइनस ए रखा गया है स्मॉल लोअर पार्ट, तो इसका भी कुछ वैल्यू आएगा। इन दोनों वैल्यू कर फिर सबट्रैक्ट करने के बाद जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जिससे देख लेते हैं हम एग्जांपल, देखिए यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स इसको इंटीग्रेट करना है, अब ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, तो कोस एक्स का आप जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया आपका साइन एक्स, तो देखिए अब साइन एक्स का अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है, तो साइन एक्स में अपर लिमिट पुट किया एन पाई बाई टू और माइनस लोअर लिमिट साइन जीरो डिग्री, तो साइन पाई बाई टू का वैल्यू वन और साइन जीरो का वैल्यू जीरो, तो वन माइनस जीरो इक्वल टू वन, यही जो है आपका आंसर हो गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन भी बताता हूँ आपको, यानी मेरे कहने का मतलब कि अगर आपने इनडिफिनिट इंटीग्रल आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं तो डिफिनिट इंटीग्रल भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। देखिए ये आपका क्वेश्चन, सो इसको आप इनडिफिनिट इंटीग्रल की तरह ट्रीट कीजिए। पहले देखिए इस सभी का इंटीग्रेशन निकाल दिया गया है, इंटीग्रेशन कर दिया गया है, तो आपका आया एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, सभी में पहले अपर लिमिट पार्ट को रखा गया है, यानी एक्स का वैल्यू वन लिया गया है, देखिए अपर लिमिट वन है तो वन का वैल्यू लिया गया है, देखिए वन का पावर फोर वन का पावर थ्री माइनस है, तो माइनस वन का पावर स्क्वायर प्लस वन, तो प्लस वन फिर माइनस लोअर लिमिट एक्स का पावर जीरो प्लस जीरो, ठीक है। इसको ऐड किया फिर इसको सबट्रैक्ट कर दिया तो टू माइनस जीरो इक्वल टू, ये जो है आपका आंसर हो गया। एक और बताता हूँ मैं, देखिए जस्ट ये आपका इंडिफिनिट इंटीग्रल जैसा क्वेश्चन है, देख लीजिए तो ये खाली इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया है, इसको देखिए सॉल्व करते हैं कैसे। ये वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं और साइन टू एक्स को माइनस टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स, इतना तो जानते हैं फॉर्मूला पर होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तब बचेगा
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इसको क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेशन करिएगा तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद इसका अपर लिमिट पाई बाई फोर और लोअर लिमिट जीरो। तब देखिए एक बार क्या किया है, अपर लिमिट रखा है प्लस कॉस पाई बाई फोर और माइनस लोअर लिमिट रख के दोनों का वैल्यू निकाला है और सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो जो आया वैल्यू आपका यही आंसर हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। इस ये चैप्टर जो है कुछ खास नहीं है, अगर आप इंडिफिनिट इंटीग्रल आसानी से सॉल्व करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो क्या कीजिए, आप क्वेश्चन को नॉर्मली इंडिफिनिट इंटीग्रल के जैसे सॉल्व कीजिए, फिर लास्ट में क्या कीजिए अपर लिमिट को पुट कीजिए और लोअर लिमिट को पुट करके जो भी आएगा अपर लिमिट से लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। वैसे फ्रेंड्स मैं इसको जरूर से सॉल्व करके अपलोड करूँगा, लेकिन टाइम की कमी है इसी कारण मैं आपको बताता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे ही सॉल्व किया करें।